जहाँ एक तरफ सारा देश आज़ादी के पर्व को धूमधाम से मना रहा है, हर्षोल्लास से मना रहा है, हर जगह आयोजन हो रहे हैं, ध्वजारोहण हो रहा है। शासकीय आयोजनों के अलावा लोगों ने अपने घरों पर भी ध्वजारोहण किया है। लेकिन होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के दो नज़ारे स्वतंत्रता दिवस पर हमें शर्मिंदा करते हैं। हैरान करने वाले यह नज़ारे सिवनी मालवा के SDOP कार्यालय के हैं और दूसरा नज़ारा जयस्तंभ चौक पर होने वाले मुख्य आयोजन। दोनों ही जगह कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने हमें स्वतंत्रता दिवस शर्मिंदा कर दिया, शर्मसार कर दिया, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। जहां SDOP ऑफिस में ध्वज ठीक से नहीं फहरा पाया और राष्ट्रगान हो गए, बाद में सीढ़ी लगाकर उसे ठीक करने का प्रयास भी किया गया। जैसे तैसे ध्वज ठीक तरीके से फहरा पाया, अपने स्थान पर पहुंच पाया। वहीं दूसरी तरफ जयस्तंभ चौक पर जब राष्ट्रगान चल रहा था, उसी समय ध्वज के पास से अधिकारी जनप्रतिनिधि वहां से हटने लगे। ऐसा शर्मिंदा करने वाला नज़ारा देखकर हम शर्मसार हैं। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पर जिन्हें राष्ट्रगान सम्मान करते भी नहीं आता। बाद में भले ही कोई एक्सक्यूज दिए जाएं, कुछ किए जाएं, लेकिन यह शर्मिंदगी दूर नहीं हो सकती। जयस्तंभ चौक पर एक चूक भी हुई। इस चूक में ध्वजारोहण के समय पुलिस की जवान मौजूद होते हैं जो ध्वज और कार्यक्रम को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, लेकिन चूक यह रही कि इसमें सिर्फ औपचारिकता ही रही। अब हमें सोचना है कि हम राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रगान को इतना सम्मान देते हैं या यह सिर्फ बातें हैं, या इन चूकों को आने वाले समय में सुधार करने का भी प्रयास किया ही जाएगा। हालांकि दोनों ही चीज़ों को विधायक नकारते नजर आए। हालांकि कार्यक्रम में विधायक स्वयं उपस्थित जब यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था। अब इसमें इतनी संख्या में लोग रहते हैं, राष्ट्रगान में कोई आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, हो गए होंगे, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन सब सभी पूरे कार्यक्रम हुए और हमने तो मार्क किया नहीं, लेकिन पत्रकार की पैनी नज़र कहाँ पहुँच गई। सभी लोगों ने बढ़िया हर्षोल्लास के साथ और बड़े बड़ी खुशी में ये सब कार्यक्रम संपन्न किए।